नोटबंदी पर संसद में हंगामे का दौर जारी है। आज भी संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वहीं अब विपक्ष संसद में पीएम की गैर मौजूदगी को लेकर मुखर है। इनकी मांग है कि पीएम की उपस्थिति में नोटबंदी पर बहस की जाए। संसद में आज क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए देखते ही रिपोर्ट। पीएम की गैर मौजूदगी के चलते आज पांचवें दिन भी संसद ठप। पीएम की मौजूदगी में बहस पर अड़ा विपक्ष। संसद में पीएम नहीं तो बहस नहीं, ऐसे में कहां है पीएम मोदी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन नोटबंदी पर विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा में आज भी संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदल के सदस्य पिछले दिनों की तरह ही वेल में उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनकी मांग है कि पीएम मोदी की मौजूदगी में ही मत विभाजन वाले नियम 56 के तहत तत्काल चर्चा कराई जाए। तो वहीं राज्यसभा में भी सदन में पीएम की गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया है। जहां एसपी के राष्ट्रीय महासचिव नरेश अग्रवाल ने पीएम मोदी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की संसद में गैर मौजूदगी उनकी तानाशाही को दर्शाता है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि पीएम को सदन में बुलाना राष्ट्र विरोधी नहीं है। दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने देश में आपातकाल की स्थिति का हवाला देते हुए पीएम से सदन में आने को कहा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में पीएम की गैर मौजूदगी को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि अगर पीएम टीवी पर पॉप कंसर्ट में बोल सकते हैं तो फिर उन्हें नोटबंदी पर राज्यसभा में बोलने में क्या दिक्कत है। संसद में इन दिनों जहां नोटबंदी को लेकर बवाल मचा है, वहीं पीएम मोदी संसद से नदारद हैं। जाहिर सी बात है कि नोटबंदी एक बड़ा फैसला है जो पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जब इस मुद्दे पर देश की संसद में हंगामा मचा है, विपक्ष पीएम की मौजूदगी में बहस चाहता है, तो उन्हें वहां मौजूद होना चाहिए। देखते रहिए डीबी लाइव।